आपकी इस फिल्म में जो डायलॉग अभी हम बात कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग, मैं 13 शहरों में रही हूँ, मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, एंड इट्स अ ह्यूज ह्यूज कॉम्प्लेक्स इन स्पेशली द यूथ ऑफ इंडिया. अरे हमको अंग्रेजी बोलनी तो आती नहीं, ना हमसे लड़की हमको गर्लफ्रेंड मिलेगी, ना हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, ना नौकरी मिलेगी. और आपका कैरेक्टर कहता है कि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था कि आपको एक अच्छा समझदार छात्र चाहिए या फिर ऐसा छात्र चाहिए जैसे जो दूसरे समझदार छात्र को लेना चाहेंगे या कोनो ऐसे छात्र को जो दूसरा देश का भाषा बहुत बढ़िया बोल लेते हैं. क्या बात है, बहुत अच्छा. पर वो थॉट ही रीजन है कि मैंने फिल्म की, बिकॉज मैंने जब वो पढ़ा तो मैं भी कहीं ना कहीं आई एम लाइक द मेजोरिटी, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि इंग्लिश इज एजुकेशन, हिंदी इज नॉट. बट हिंदी मीडियम में कितने लोग पढ़े हैं और जो अकलमंद होंगे, पर कहीं ना कहीं हम उन्हें नकार देते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती. और बहुत प्रेशर है क्योंकि आजकल जॉब क्वालिफिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है. तो जो पेरेंट्स इंग्लिश नहीं भी जानते वो बोलते हैं अपने बच्चों को, यार बेटा जाओ तुम इंग्लिश ज्यादा सीखो, हिंदी नहीं भी बोलोगे हमें चल जाएगा, या पढ़ने की जरूरत नहीं है पर इंग्लिश सीखो, क्योंकि वो प्रेशर है. वो अभी सोसाइटी ने प्रेशर क्रिएट किया जॉब अपॉर्चुनिटीज, चाहे आप सिंपल सा जॉब ले लीजिए, कॉल सेंटर में काम करना, आप कैसे करोगे बिना इंग्लिश बोले. व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, क्या आपके साथ लैंग्वेज कभी एक प्रॉब्लम थी, हालांकि नहीं रही होगी? आई गॉट वेरी लकी, क्या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हिंदी में बात करते थे, जो घर पे सारे लोग थे वो हिंदी में ही ज्यादा बात करते थे. मेरी हिंदी स्कूल में भी ठीक ठाक थी, मराठी भी सीखी स्कूल में. बिफोर गेटिंग इनटू एक्टिंग आल्सो मैंने हिंदी पे ज्यादा मेहनत की, ताकि प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का सही इस्तेमाल, और अपनी सोच हिंदी में कैसे जमाऊं. बिकॉज क्या, व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश यू स्पीक इन इंग्लिश, पर अगर आप हिंदी में सोचना शुरू करते हैं तो एज एन एक्टर आपको बहुत मदद मिलता है सीन करते वक्त. बिल्कुल. तो कुछ कुछ पहलू थे जो मैंने यूज किया ताकि मेरी हिंदी साफ रहे. आज भी जितना हो सकता है मैं सेट पे हिंदी पे ही बोलता हूँ, हिंदी में ही बोलता हूँ, ताकि वो थॉट प्रोसेस हिंदी में ही चलता रहे सीन करते वक्त. हिंदुस्तान क्या दो हिस्सों में बढ़ जाता है, इंडिया एंड हिंदुस्तान, अब उसका मिश्रण क्यों नहीं हो सकता? Why do we shy away from being able to be proud of speaking our language also?